अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करने दें। शेयर कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो विश्वविद ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं वर्मली करके तमाम स्टूडेंट को रियली अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इस कोर्स को ऑन किया और टाइम टू टाइम अपनी असाइनमेंट सबमिट कराते रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर of our session and related to our MS Excel. And I really appreciate to all of you and the team right with us who is conducting session amazing events for students and even for skillful persons who are here to make or who are here to polish their skills. So again, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इस कोर्स को ऑन किया और पार्टिसिपेट किया इस कोर्स में। और अगेन मैं थैंकफुल हूँ आप सबका और बैट विद दस टीम का जो कि स्टूडेंट के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती रहती है कि भाई वो इस जिन्होंने इस कोर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ उन सबका शुक्रगुजार हूँ जो कि इस कोर्स में आए, जिन्होंने इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सब स्टूडेंट्स को जो फिजिकल आए और सब स्टूडेंट को जो कि ऑनलाइन रहे और अपनी टाइम टू टाइम सबमिट कराते रहे। और इसी तरह फिजिकल क्लासेस में भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी असाइनमेंट प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह अपनी टाइम टू टाइम सबमिट कराते रहे। ठीक है, तो मैं अगेन कहता हूँ कि स्किलफुल बने बिकॉज स्किलफुल पर्सन की वर्थ हुआ करती है। आप जब स्किलफुल होते हैं, आपके पास स्किल होती है, तो एवर हर इंसान आपकी इज्जत करता है। ठीक है, तो चलिए अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि अगर हमने एक चीज बनाई थी लाइफ में, डिटेल शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और इस तरह मतलब हम अपनी एक शीट बना सकते हैं और इसमें अपना डेटा पुट कर सकते हैं। लाइक आज मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ बिकॉज स्टूडेंट की क्यूरीज थी कि ना सर आपने हमें होम इंसर्ट के बारे में गाइड नहीं किया, आप डायरेक्ट फार्मूलाज पे चले गए थे। और मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि उनकी क्यूरीज बजा है, बट ये इंटरफेस होम वाला इंटरफेस और ये इंसर्ट वाला इंटरफेस और ये पेज लेआउट वाला इंटरफेस, इन तीनों का मेन मकसद वही होता है जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा आवर यानी वर्ड में और एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट में। यहाँ पर भी सेम वही फंक्शन होता है इसका। लाइक अगर आपने होम में जाना हो तो सेम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग करते हैं। लाइक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट के रिलेटेड आप उसको फॉन्ट साइज, फॉन्ट को बोल्ड करना हो, फॉन्ट को इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, देन हम उसकी यहाँ पर आते हैं अलाइनमेंट करनी हो। मैं एक बार यहाँ पर एक बार दोबारा आप लोग के सामने इसको अप्लाई कर देता हूँ, सारे को मैं मर्ज करता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर से नजर आ जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट विद, मैं इसको और आप लोगों को एक बात बताता चलो, यहाँ पर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक्सेल पर, पावर पॉइंट पर और वर्ड पर एक जैसे अप्लाई नहीं होते। बट अगर आप चाहते हैं लाइक मैंने अभी इसका साइज इंक्रीज, कंट्रोल कंट्रोल प्लस वन मिनट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
हम ग्रेटर देन का साइन यूज करते थे, देन वो इक्वल टू होता था इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज या फॉन्ट साइज का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ये वाली कीज यूज करता हूँ, लाइक कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन को यूज करता हूँ, तो वो क्या है, साइज इंक्रीज नहीं होता। तो क्या होता है, इसको मैनुअली यहाँ से इंक्रीज करते हैं। लाइक मैं सारे को मर्ज कर देता हूँ ताकि मेरा जो शॉट है वो से अब ये देखिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये साइज इंक्रीज हुआ और उसको एग्जैक्ट मार्जिन भी दे दिए, ठीक है। अब सेम इसी तरह ही, अब ये था फिल चेंज करता हूँ, लाइक बॉक्स का फिल चेंज करता हूँ, मैं यहाँ येलो करता हूँ यहाँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी कलर अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट करूँ, बॉटम पे करूँ, टॉप पे करूँ, और यहाँ पर लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, और अगर मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ तो इस तरह अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में या इवन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग को इवन मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर आप कोई ऑथेंटिक वैलिड क्वेश्चन करते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हर एक स्टूडेंट को। क्या सर में इस रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि बेटा मैं नहीं समझ पाता, बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने एटलीस्ट सोचा कि सर ने ये वाला सही क्वेश्चन स्किप कर दिया है या कुछ, ठीक है। सेम इसी तरह ये होता है इस चीज को यूज करने के, लाइक ये परसेंटेज भी यूज करना होता है, फ्रैक्शंस में यूज करना हुआ, ये अलग चीजें हैं, बट परसेंटेज और नंबर और जनरल ये चीजें आप लोग चूज करते रहते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ और ये देखें ये क्या हुआ मैंने लिखा किसी और फॉर्म में ना, बट ये यहाँ पर इस तरह लाइक +17 आगे वो कह रहा है कि आपके 17 डिजिट और हैं। तो अब ये देखिए मैं इसको चेंज भी कर रहा हूँ बट ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये हम जनरल की जगह मैं यहाँ पर इसको न्यूमेरिक जब करता हूँ तो ये मुझे कुछ वैल्यूज दे देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों को कोई बॉक्स हो, बॉक्स में आपने कुछ भी राइट अप किया है, लेकिन राइट अप किया तो ये देखो उसका क्या कहते हैं फॉर्मेट चेंज हो गया, जर्नल हो गया, देन मैं क्या करता हूँ इसको न्यूमेरिक में लेके आता हूँ, तो वो जो मेरा टेक्स्ट है वो न्यूमेरिक में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। और एक बात यहाँ पर अगर मैं लिखता कर दूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ पर एक और क्यूरी होगी, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी 79, 70, 80, लाइक कुछ भी है, तो मैं अगर इसमें अभी मुझे नहीं आइडिया कि ये क्या चीज है, लेकिन जब मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैं कह देता हूँ ये परसेंटेज है, देन क्या होता है कि इनके आगे क्या होता है, ये परसेंटेज के साइन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज 10% है, लाइक मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ, ये 10% है। ऑनवर्ड मैं इसको अगर ऐसे नीचे लेके जाता हूँ तो ये क्या है, परसेंटेज का हो गया। अब ये था मैनुअल तरीके से और ये था मैंने एक बार यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये सारा कुछ यानी एकदम से कमांड से सारा अप्लाई हो गया फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपने फॉर्मेटिंग करनी होती है यहाँ पर। आप लोग यानी अगर आप लोगों ने कोई टेबल ड्रा किया, लाइक मैं यहाँ पर कोई टेबल ड्रा करता हूँ, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम और यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल नंबर और यहाँ लिख देता हूँ सेशन और यहाँ लिख देता हूँ पासिंग ईयर और यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट आवर्स और, ठीक है। तो मैं अगर अभी इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ, लाइक एक मिनट मैं एक बार फंक्शन देख रहा था, देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं, विद ऑटोफिल टू विद, ओके ये देखिए। अब मुझे यहाँ पर एक
को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं वहां से फिट हो रहा है। तो इसका एक तरीका क्या होता है कि यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके सेट किया है, बट ये देखिए ये स्पेस बच गई है, ये पीछे वाला बच गया है। तो इससे क्या होता है कि मैंने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाके ऑटो कॉलम विड्थ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मेटिंग क्या होगी, तो मुझे पड़ी है। तो कहते मैं इसको एक टेबल का नेम लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ टेबल फॉर्मेट में। अब मैं कहता हूँ मेरी टेबल, तो ये देखिए इस फॉर्मेट में मेरी टेबल डिजाइन हो गई, ठीक है। अगर यानी अब इसमें मैं इजीली से अपना डेटा पुट कर सकता हूँ, इसका मकसद ये था। यानी मैं वो वाली फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ जो जो आप लोग स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम यूज होते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड मैं अगर आप लोगों को समझाता रहा हूँ तो क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आती। मैं क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, और ऐसा ना हो कि भी मैं अगर कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ तो स्टूडेंट को समझ ना आए, ठीक है। सेम इधर से यानी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर सेल स्टाइल के ऊपर। अब ये देखिए मैं करता हूँ, सपोज करता हूँ ये वाले सेल है, बस मैं इनका स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, लाइक ऐसे कर रहा हूँ, एक्यूरेट कर रहा हूँ, मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ, असेंडिंग वन कर रहा हूँ, लाइक अब ये देखिए, ठीक है। खुद ब खुद उसने फॉर्मेटिंग दे दिया, मतलब कलर दे दिया, मुझे एक एक को कलर देने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये सेल फॉर्मेटिंग था, आप ये देखें टाइटल टोटल, ये आप लोग उधर करना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर देता हूँ, ये मर्ज करके मैं इसको सेल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब ये देखें लाइक ये देखें, जिस तरह मैं इसको टाइटल हेडिंग और हेडिंग वन करता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैं कुछ देता हूँ हेडिंग। अब ये देखिए वो उसकी उसी टाइप की उसने फॉर्मेटिंग कर दिया, नीचे उसने बॉर्डर दे दिया, बाकी सब कुछ बॉर्डर नहीं दिया। अब मुझे एक से बॉर्डर पहले देना पड़ता, लाइक अगर सेम फॉर्मेटिंग मैं इधर करता हूँ, सेशन है इसको मर्ज करता हूँ, मर्ज करने के बाद मैं इधर सेम इसको बॉटम पे मैं इधर सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं बॉटम पे जाके मैं यहाँ पर ये स्टाइल है, मैं यहाँ से स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ और ये इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। और ऐसे सॉरी वो दूसरा है, मैं फिर अगेन जाता हूँ तो फोर बॉर्डर्स पे जाके मैं फिल्म, और मैं इधर से कोई और सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, और इसकी ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, मैं इसको इधर आता हूँ, सॉरी इधर से मैं सेट किया, और मैं यहाँ आता हूँ, मैं बॉटम पे इसको अलाइनमेंट देता हूँ। अलाइनमेंट देने के बाद ओ लाइन देता हूँ, लाइन कलर है, इन लाइन स्टाइल है, ये लाइक मैं कहता हूँ सॉलिड स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, अब इसका कलर मैं दे देता हूँ, क्या कलर होगा, सॉरी 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 अलाइनमेंट फॉर्म बॉर्डर, यहाँ से मैं अब देखिए मुझे यहाँ पर एक एक को अलग से अप्लाई करना पड़ा है, एक एक करके मैंने उसको अप्लाई किया, देन जाके उसके ऊपर ये कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इधर से अगर कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर डिजाइनिंग कर रहे हैं, या उसमें कुछ, अब मुझे ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट मिल जाता है, लाइक मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब मुझे एक बार फॉर्मेटिंग करने की यानी अलग अलग से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक बार गया और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये था, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये अलाइनमेंट हो गई है, टेक्स्ट हो गया, अब इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट आपके काम का नहीं है, डिलीट था, ये एक मिनट इंसर्ट था, ओके। आप ये था, आप यहाँ आ जाते हैं, ये फॉर्मूलाज हैं एवरेज मीन मीडियन मॉड, आप लोग यहाँ से मीन एवरेज निकालना चाहें, ये वही वाले हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोग को,
ताकि आप लोगों को रिमाइंडर रहे, आप लोगों को याद रहे। मैं अब ये देखिए क्या किया मैंने, एक एक को अलग से लिखा है, लेकिन फिर अगर मैं इकट्ठा सार को सबको लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैंने टाइप करना है और ये ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं 1 मिनट सोच सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक तरीका ये भी होता है कि अगर हम इसको ट्रैक करें ये नहीं। अब ये देखो, मुझे अलग अलग लिखने की बजाय मैंने एक बार इसको सिलेक्ट किया और 12 लिखा और 12 को ट्रैक किया। अब ये देखिए इसका मैंने क्या निकालना है, टोटल ऑटो सम निकालना है, सम निकालना है। जब मैं यहाँ गया, यहाँ निकाल के मैंने इसका सम निकाला, वो नीचे इसने टोटल निकाल के दे दिया। ये था हमारे थोड़ा सा क्वेश्चन होम के फंक्शंस के, और इसी तरह वो फंक्शन मैंने अप्लाई किए जो आप लोगों के काम के हैं। ठीक है, और ये डेटा एंट्री शीट में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस तरह आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इनसाइट के ऊपर। आप इनसाइट के ऊपर यानी टेबल आप इनसाइट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट चार्ट्स हैं और यहाँ पर डिफरेंट इनसाइट लाइन और एरिया चार्ट है। ये चार्ट की कैटेगरीज हैं। फिर यहाँ ये पाई चार्ट है, 2D पाई चार्ट है, और अगर आपको इंसर्ट करना चाहे यहाँ पर ये क्या है, ग्राफ है डिफरेंट किस्म के। लाइक मैं एक ग्राफ को डाउनलोड यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, मैं लाइक ये वाला इंसर्ट करता हूँ, इसकी डेटा एंट्री शीट, सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसकी कोई ना कोई फाइल ले लेता हूँ, 1 मिनट इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि ग्राफ हमेशा किसी चीज को ग्राफ बनाना तो पड़ेगा ना। लाइक मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.9 0.8 0.7 0.4 0.1 0.3 और 0.8। ठीक है, देन मैं इसका अगर ग्राफ ड्रा करता हूँ, इसको ग्राफ बनाता हूँ, तो सिंपल से मैंने इंसर्ट में जाता हूँ और इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। लाइक वो देखें वो डिफरेंट वैल्यूज का वो ग्राफ प्लॉट कर रहा है। और एक अगर मैं इसके स्कैटर्ड लाइन लगा देता हूँ, निकाल देता हूँ, वैल्यू दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमें चार्ट बनाने में इजीली से हम चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी ग्राफ की फॉर्मेटिंग करना चाहें, लाइक यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहें, हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क कलर करना चाहें, उसके बाद इसका कोई स्टाइल आप चेंज करना चाहें, ये देखें यहाँ पर आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ये था इंसर्ट में, यानी ये डिफरेंट चार्ट्स आप ऐड कर सकते हैं। आप ठीक है, और इसी तरह ये पेज लेआउट है। पेज लेआउट में आप क्या करते हैं, मार्जिन सेट करना हो तो आप लोग यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं अगर इसका प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट कुछ इस टाइप का होगा। लाइक मैं इसको इधर ले आता हूँ और मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। अभी देखिए ये कुछ इस टाइप का प्रिंट प्रीव्यू दे रहा है, क्योंकि ये मैंने आप लोग को बताया है ना कि अगर मैं यहाँ A4 सिलेक्ट करता हूँ तो A4 में जितना एरिया आता है वो ये देखिए यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। ये मैंने कल आप लोग को बताया था, यानी 45 से I 45 45 तक क्या होता है, ये A4 साइज का पेपर होता है। लाइक A4 है तो मैं A4 साइज का वो लीगल पे था। आप ये देखें ये A4 है, ठीक है, A49 तक का। अभी कैसे आपको लोग पता लगता है कि भाई A4 है A3 है, ये आप लोग को यहाँ से इसका सेट करना पड़ता है, A4 करना पड़ता है, और ये मार्जिन करने पड़ते हैं, नैरो मॉडरेट जो भी आप करना है। जैसे हम लोग ने वर्ड और एक्सेल में, वर्ड और पावर पॉइंट में किया था। इधर मैं सिंपल इसको न्यूमेरिक, ये जनरल, और फिर मैं इसको अगेन न्यूमेरिक कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, क्योंकि वो हैश टैग में आ रहा था कि यहाँ पर मुझे वही पता चल रहा था कि क्या वैल्यूज हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, ये सेट आप कर सकते। ये रेड था, अब ये पेज लेआउट, यहाँ प्रिंट एरिया। और हाँ एक बात, आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं किस तरह आप प्रिंट लू या कुछ भी, लाइक अगर आप लोगों के पास जितना भी सिलेक्टेड एरिया, लाइक मैं यहाँ पर है यहाँ तक मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं इसको एक
कहता हूँ कि मुझे यहाँ तक का एरिया प्रिंट चाहिए, इधर तक का एरिया प्रिंट चाहिए, तो मैं इधर कंट्रोल बी करता हूँ। कंट्रोल बी करने के बाद ना, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन होते हैं कि आपने क्या करना है, इंटायर करना है, प्रिंट सिलेक्टेड। अब ये देखिए जहाँ तक मेरा, मैंने सिलेक्ट किया हुआ वो वाला प्रिंट, लाइक मैं आप लोग को एक बार प्रिंट ले रहे हैं, प्रिंट है, ये मैंने कुछ डेटा लिख देता हूँ यहाँ पर, कुछ डेटा मैं इंटर इंटर कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ डेटा मैंने इंटर कर दिया। और इस तरह आप भी कुछ इंटर डेटा इंटर कर सकते हैं इसमें इंटर। अब मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पर कंट्रोल बी कर सकता हूँ। कंट्रोल बी करने के बाद प्रिंट सिलेक्शन। अब ये देखिए सिर्फ वही वाला एरिया है जो कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। लाइक अगर आप लोग को फिर भी समझ नहीं आ रहा, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 और यहाँ लिख देता हूँ 13। मैं चाहता हूँ कि ना 13 तक का डेटा मेरे पास, 12 तक का डेटा मेरे पास है, बाकी 13 मेरे डेटे में प्रिंट जब करूँ तो ये प्रिंट में ना आए, तो मैं कंट्रोल बी करता हूँ। अब ये देखिए 12 तक आ रहा है, जा रहा है 12 आ रहा है, 13 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इसका प्रिंट ले रहे हैं तो जहां तक आप सिलेक्ट करेंगे वहां तक अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये प्रिंट सेटिंग में आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने कंट्रोल बी किया, प्रिंट किया, मैं कहता हूँ ये देखिए ये एक्टिवेटेड शीट है, इंटायर शीट है, या प्रिंट सेक्शन है। अभी इसकी ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है। अभी देखिए ये लैंडस्केप, अब लैंडस्केप में उसने ये सारा डेटा ये मेरी बैंक पे है। अगर मैं इसका पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये देखिए ये मेरा पोर्ट्रेट पेज आ जाएगा। फिर ये देखिए कि यार मैं करता हूँ कि ना फिट ऑन वन पेज। अब ये देखिए जितना होगा ना वो एक पेज पे जितना एक्सपोज करते हैं कि बार दफा आपका डेटा जो होता है वो कंप्लीट शो नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं उसमें आप क्या करते हैं, कंप्लीट डेटा कंप्लीट शो नहीं हो रहा, तो उससे क्या होता है कि आप लोग, अगर आप लोग ने जहां तक का सिलेक्ट किया हुआ हो वहां तक का ही प्रिंट लेना हो तो वो इजिली से प्रिंट आउट हो जाता है। 1 मिनट के लिए प्लीज काइंडली, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और थोड़ा सा मेरा गला हार्श हो रहा है, तो फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक डेटा एंट्री शीट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, देन वी विल गो टू द एंड ऑफ आवर सेशन, पार्ट ऑफ द एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। या ठीक है, तो सॉरी, जैसे कि हम शेयर कर रहे हैं यानी हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेल शीट के रिलेटेड, तो हम इसको अगेन लेके चलते हैं। लाइक मैं यहाँ पर आप लोग को डेटा एंट्री शीट का बता रहा था कि अगर हम डेटा एंट्री शीट बनाते हैं तो बेसिकली बनाते क्यों हैं, उसके पीछे रीजन क्या होती है, उसके पीछे और कोई रीजन नहीं होती, उसके पीछे ये रीजन होती है अगर आप टाइम आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और आप लोग आप चाहते हैं कि हम शॉर्ट टाइम में अपना डेटा सेव करें, या अपना लाइक अगर कुछ आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि मैं इसको सेव करूँ इन शॉर्ट टाइम में, और आप बार बार यहाँ पर लाइक मैं कुछ डेटा यहाँ क्लिक करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ अगेन ऊपर वाला मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था एक मिनट, ये रहा, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ लाइक सिर्फ करता हूँ टेक्स्ट को वैल्यू को करता हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यू चाहिए बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसको मैं क्या करता हूँ फिट कर देता हूँ एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले, फॉर्म में जाके मैंने यहाँ फॉर्मेट में आया और ये क्या किया ऑटो फिट टू कॉलम फिट, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर
डेटा एंट्री शीट के ऊपर अप्लाई किया और इसके ऊपर ये डिफरेंट शीट बन गई, लाइक जिसमें स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, और ये क्या हुआ है, जिसमें स्टूडेंट नेम, सॉरी अस्सलाम वालेकुम, अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सॉरी ड्यू टू नेटवर्क इशू आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, और मैं अगेन शेयर कर देता हूँ स्क्रीन अपनी आप लोग के साथ। और यहाँ से तो बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि एक स्टूडेंट शीट बना, ये एक्सेल शीट बनाने के लिए या डेटा एंट्री शीट बनाने के लिए हमें, कि भाई हमें इजीली से या क्या डेटा कंपाइलेशन आसानी से हो जाए। आप ये नहीं है कि आप सिंपल यही कर सकते हैं, आप कोई अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है कि इजी से आपको यहाँ यहाँ इधर इधर बार बार क्लिक नहीं करना पड़ता डेटा इंटर करने के लिए। तो अगेन बस सिंपल सा आपने क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करके आप लोगों ने डेटा इंटर करना होता है, ठीक है। अब फिर आप लोगों को मैं फॉर्मेटिंग के बारे में बता रहा था जब प्रिंट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि किस तरह आप लोगों ने क्या करनी है, एक्सेल फाइल शेयर करनी होती है, ठीक है। सिंपल सा आपने क्या करना होता है, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। शेयर माय स्क्रीन, ये शेयर कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, मैं अब दोबारा इधर आ जाता हूँ अपने जीमेल के ऊपर। जीमेल के ऊपर सिंपल सा मैंने क्या किया, कंपोज किया है। कंपोज करने के ऊपर कंपोज पे क्लिक किया है। को क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिसको शेयर करनी हो, सेंड करनी हो जिसके ऊपर, जिसको मैं लिख देता हूँ BRIGH, ब्राइट विद दस को मैंने सेंड करनी है। ब्राइट विद दस टीम भी है, ब्राइट विद दस के ये मेरे पास दो जीमेल्स हैं, लाइक इसके ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ लाइक एक्सेल शीट, एक्सेल शीट। और यहाँ पर मैं इसका ये नहीं, जहाँ पर वो मेरी फाइल है सपोज करते हैं ईमेल वाली फाइल मैंने शेयर करनी है, ये मैंने ओपन कर दी। और इसी तरह सेम मेथड के साथ आप ये अपलोड होने दीजिएगा, अगर ये अपलोड नहीं हुई तो आप लोगों की फाइल शेयर नहीं होगी। सेम अगर इस तरह आप लोग अगर और कोई अटैचमेंट करना चाहें, लाइक मैं कोई कहता हूँ मैं वर्ड फाइल करना चाहता हूँ, ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और ये ओपन कर दिया। और यहाँ पर ये देखिए, ये पहले अपलोड होगी देन ये फाइल सेंड होगी। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई फाइल किसी के साथ शेयर करनी हो तो क्या करेंगे, सिंपल आपने कंपोज पे जाना है। लाइक मैं इसको दोबारा शेयर कर सेंड कर देता हूँ। शीट को हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट स्क्रीन शेयर हो जाए। ओके, यहाँ से ये स्क्रीन शेयर, ये असल में ना दूसरी साइड पे कनेक्टेड नहीं हो रही थी, तो इस वजह से तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इधर लाइक ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने फॉर्मेट में जाके को ऑटो फिट टू कॉलम कर दिया है, कॉलम विड्थ कर दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर डेटा एंट्री शीट अप्लाई कर दी। और ये देखिए मेरे पास ये क्या हुआ, डेटा इंटर करने के लिए मेरे पास डिफरेंट, लाइक मैं इसको टैब पेस्ट करता हूँ, अगेन टैब पेस्ट करता हूँ, अगेन टैब पेस्ट करता हूँ, अगेन करता हूँ और ये इंटर कर देता हूँ। अगेन मैं कुछ टाइप करता हूँ, कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, और लाइक मैं कंप्लीट डिटेल पे डाल देता हूँ, सुहेल स्क्रॉल रहता लाइक 12 एंड से फर्स्ट वाला सेशन पासिंग ईयर भी 21st, ये 2017। और यहाँ क्रेडिट ओवर हमने 4300 लाइक सपोज करते हैं पढ़े थे। अब इस तरह आप डेटा इंटर करते जाएं और आपका डेटा स्टोर होता
होता जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा शीट आती कैसे है? ठीक है, क्या ये वाली डेटा शीट आती कैसे है? यहाँ आपने फाइल में जाना है, मोर ऑप्शन में जाना है, और यहाँ ऑप्शन ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपने क्या करना है कि कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन में जाके यहाँ ऑल कमांड्स पे जाना है, और यहाँ पे होता है एक फॉर्म का ऑप्शन। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन, दैट्स वाई मुझे शो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग को एफ एफ में ना आप ये फॉर्मेट सेल आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फॉर्म का FOR M। ठीक है, लाइक यहाँ पर होगा और उसको आपने रीनेम करना है, लाइक यहाँ पर कस्टम स्वेल मैंने एडिटिंग ये लाइक कुछ लिखा हुआ है इसमें आप लोग ये लाइक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये डेटा एंट्री शीट ऑलरेडी मैंने इसमें इंटर की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ या रिमूव करता हूँ, तो ये देखें ये यहाँ से ये रिमूव करता हूँ तो ये रिमूव हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट, ये यहाँ पर एक फॉर्म का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसको क्या आप लोगों ने सिंपल सा इधर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये डेटा एंट्री शीट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लाइक मैं इसको अगेन सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपल से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके प्रेस कर देना, ये डेटा एंट्री शीट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेटा एंट्री शीट बना सकते हैं। वेट, वेट 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 अगेन हम स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू नेटवर्क इशू यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा इश्यू फेस करना पड़ रहा है इसको लेके। एक मिनट, यहाँ पर मुझे शो हो जाए ऑलरेडी, तो इधर मैं इसमें डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा एंट्री शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये होम के कुछ ऑप्शन थे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पर इनसाइड के ऑप्शन थे कुछ मैंने आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर दिए, और यहाँ पर आप लोग पेज लेआउट, और एक मिनट मैं फिर आप लोगों को फॉर्मेटिंग के रिलेटेड अगेन बता देता हूँ। लाइक मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, ये इस सेशन में जितना भी है मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ये कंट्रोल पी किया, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ अब ये देखें ये सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ सिलेक्टेड वाला ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो आप लोग प्रिंट करना चाहें उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद उसको कमांड दे दें। ठीक है, ये था कि इसको आप लोगों ने, और हाँ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर हम ना अपनी ये वाली फाइल जितनी भी हैं लाइक एक्सेल है, पावर पॉइंट है और दूसरी फाइल है, इनको मेल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मेल करने का सिंपल सा ऑप्शन यही होता है कि आप लोग लाइक मैं मेरे पास कुछ है डेटा, मैं इधर से कोई कॉपी कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ आ जाता हूँ, डेटा क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और जीमेल कैनवा प्रो फास्ट, और यहाँ पे मैं मेरी एक मिनट जीमेल ओपन हो जाती है, सॉरी वेट 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 वेट, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी, यहाँ व्हाट्सएप ओपन किया, जीमेल सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये होगी शो। तो एक मिनट मैं यहाँ इसको आप के साथ आप लोग के साथ ये शेयर, ये सिंपल
आपने अगर शेयर करना हो, मैं 1 मिनट, स्क्रीन स्टक है आई थिंक आप लोग को अभी तक। हाँ ये आप नजर आ रही है, तो यहाँ पर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, सुहेल यासीन। मैं यहाँ पर सुहेल यासीन को सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट में देता हूँ एक्सेल शीट। यहाँ पर आप लोगों ने